हेलो गाइस, वेलकम टू द आईबीपीएस गाइड। तो डीआई का जो पार्ट सेकंड है वो मैं आप सभी के सामने लेके आने वाला हूँ। तो इसमें जो दिया रहेगा वो टाइम एंड वर्क के ऊपर डीआई रहेगी, जो कि स्टेटमेंट वाइज टाइप जो भी क्वेश्चन होते हैं वो दिए गए होंगे इसमें। एक्चुअली मैं डीआई जो फर्स्ट मैंने दिया था उसमें मैंने कमेंट देखे थे, तो टाइम एंड वर्क के ऊपर बहुत डिमांड हो रही थी कि टाइम एंड वर्क के ऊपर डीआई दीजिए सर। तो उसके रिगार्डिंग मैं आपके लिए एक डीआई लेके आया हूँ। डीआई फर्स्ट अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके उसे डीआई फर्स्ट देख लीजिए, जो कि कल अपलोड हुई थी। तो डीआई फर्स्ट में जो भी बोट एंड स्ट्रीम टाइप के क्वेश्चन थे वो मैंने दिए थे, बोट एंड स्ट्रीम टाइप के, ठीक है। तो वो भी मेरी एक कैसलेट डीआई थी, ओके, कैसलेट डीआई थी। और ये वाली जो डीआई होगी ये स्टेटमेंट बेस्ड टाइप क्वेश्चन होंगे और डीआई काफी अच्छी है, तो आप देखिए इसको। और ये हिंदी में होगी, ओके। तो ये आने वाले एसबीआई पीओ 2019 और आईबीपीएस पीओ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। और बाकी आप मोर विजिट कर सकते हैं ibpsguide.com पे, उस पर आप मॉक टेस्ट ले सकते हैं। एंड बाकी सारी चीज़ें जो भी आपको डेली क्विज उधर पे होती हैं, वो कंटेंट जो होता है ना, जो भी कंटेंट होता है आप ई बुक्स खरीद सकते हैं। ई बुक्स भी बहुत ज़्यादा अच्छी कंटेंट्स है उसमें, हाई लेवल के डीआई है, पजल्स है, रीजनिंग के रिगार्डिंग और इंग्लिश के भी क्वेश्चन जो न्यू पैटर्न हो रहे हैं, ठीक है। तो आप उसे रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आईबीपीएस गाइड पे बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और वीडियो में कमेंट जरूर कीजिए, उससे थोड़ा मोटिवेशन बढ़ता है टीचर्स का, ठीक है। तो देखते हैं डीआई किस टाइप से है और उसमें चीजें किस टाइप से दी गई हैं, ठीक। तो डीआई है कुछ इस टाइप से, देखो क्या है, पहले मैं इसका पढ़ लेता हूं। उसमें नोटिस क्या है, द टेबल शोज द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय स्वाति टू कंप्लीट द गिवन परसेंटेज ऑफ वर्क एंड द टाइम रेशियो ऑफ स्वाति टू शिवानी टू कंप्लीट द होल वर्क, क्लियर है। तो इसमें दिया क्या गया है, इसमें दिया गया है देखिए पांच जॉब के नेम है, कौन से, ए बी सी डी एंड ई, ये पांच मेरे जॉब के नेम है, ओके। परसेंटेज के बारे में क्या दिया है, देखिए फर्स्ट कॉलम में जो दिया है वो दिया है परसेंटेज ऑफ अ वर्क डन बाय स्वाति। तो स्वाति के द्वारा जो वर्क डन है वो इतना परसेंट है, अगर 20% वर्क अगर स्वाति खत्म कर रही है, यानी कि 100 का 20% कर रही है, कितने दिन में कर रही है वो दिन दर पे दिए हैं। देखिए नंबर ऑफ डेज टेकन बाय स्वाति, तो 20% अगर वो 5 डेज में कर रही है तो 100% कितने में करेगी, देखिए 20% की वैल्यू अगर 5 डेज है तो 100% बनाना है इसे मुझे, कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, 5 से इधर, तो 5 से इधर, तो वो कितने हो जाएंगे, 25 डेज हो जाएंगे, क्लियर है ना। अच्छा फिर ये क्या दिया है, डेज रेशियो ऑफ स्वाति टू शिवानी टू कंप्लीट द होल वर्क। ये जो रेशियो है ना, ये होल वर्क का रेशियो है, आप इसका नंबर ऑफ डेज से इससे मत निकालिएगा रेशियो, ये होल वर्क का रेशियो है, ठीक है। तो होल वर्क कितने में कर रही है स्वाति, स्वाति कर रही है 25 में, तो इधर 5 की वैल्यू हो जाएगी 25, देन 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। कैसे निकालेंगे वो सारी चीजें मैं अब आपको इस टेबल में भर के निकालता जाऊंगा। अच्छा इधर पे क्या आएगा, इधर पे मेरा जॉब नेम आएगा, जो जॉब नेम स्टार्टिंग में दिया है वो, इधर पे क्या आएगा, इधर पे स्वाति के रिगार्डिंग चीजें आएंगी, जो भी स्वाति के रिगार्डिंग दी होंगी, और इधर पे जो भी आएंगी वो शिवानी के रिगार्डिंग आएंगी, क्लियर हो गई। और ये जो आएंगे ना, ये टोटल नंबर ऑफ डेज आएंगे, टोटल नंबर ऑफ डेज, क्लियर हो रहा है, ये नंबर ऑफ डेज आएंगे मेरे कहाँ पे, इस वाले पूरे कॉलम में, ठीक। यानी कि इस वाले कॉलम में स्वाति के नंबर ऑफ डेज और इस वाले में शिवानी के नंबर ऑफ डेज, ओके। तो देखते हैं पहले में क्या है, जॉब ए है, बी सी डी एंड ई, ये मेरी कितनी जॉब हो गई, पांच जॉब हो गई, ओके। तो देखते हैं पहले में क्या है, 20% कर रही है स्वाति पांच दिन में, अगर 20% अगर पांच दिन में कर रही है, यानी 20% की वैल्यू 5 है, इसे 100% बनाना है ना, 20% की वैल्यू कितनी है 5 है, तो इसे 100% बनाना है, तो 5 से इधर करूंगा, तो 5 से इधर करूंगा, बिकॉज 100% होगा ना पूरा काम, तो ये कितना हो रहा है, ये 25 डेज में कर ले रही है, ठीक है। तो स्वाति कर रही है ए वाला वर्क 25 डेज में। अच्छा अगर ये 25 में कर रही है तो इसमें रेशियो की वैल्यू क्या है, स्वाति का आगे स्वाति है पीछे शिवानी है ना, तो आगे की वैल्यू कितनी है 5, 5 यूनिट, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है 25, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 5। अच्छा तो मुझे 4 यूनिट निकालना है, तो 4 यूनिट के लिए 4 से मल्टीप्लाई इधर 4 से इधर, तो ये कितना हो जाएगा 20, 20 डेज, ओके। तो शिवानी करेगी 20 डेज में, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखता हूँ, अगर 50% की वैल्यू 15 है, 50% की वैल्यू 15 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 2 से मल्टीप्लाई इधर करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई इधर करूंगा, यानी 30 डेज, तो 30 वर्बली करेंगे, ओरली करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी 6 यूनिट की वैल्यू अगर 30 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 होगी, तो 5 यूनिट की वैल्यू 25 होगी, क्लियर है, समझ पा रहे हैं ना। देखिए पहला वाला मैंने करके बता दिया पूरा डिटेल में, बट इसको एक देखो मैं जो अप्रोच बताता हूँ ना, वो अप्रोच जो होती है वो रियल एग्जाम की अप्रोच होती है, ओके। आपको रियल एग्जाम में कैसे करना है वही मैं चीजें बताता हूँ, आपको हर चीज ऐसे लिख लिख के नहीं करना है, आपको वर्बली भी करना सीखना है, ओके। तो देखते हैं,
40% की वैल्यू 12 है। अब मैं 40% को 100 जैसे बना सकता हूँ, वो मुझे करना है, ठीक है। 40% की वैल्यू क्या है? 12 है। अच्छा, अगर मैं 3 से इसे काटता हूँ तो ये 3 टाइम कटता है, 3 से काटता हूँ तो 4 टाइम कटता है, देन 3 से काटता हूँ तो ये नहीं कटेगा। बट अगर मैं 4 से काटता हूँ ये 10 टाइम कटेगा, 4 से काटूंगा तो ये 3 टाइम कटेगा, ठीक है। तो 10% की वैल्यू कितनी हो गई? 3। तो 100% बनाने के लिए इधर 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 3 × 10 कितने होते हैं? 30। तो ये 30 डेज हो गए, 30 हो गया ना। तो 2 यूनिट की वैल्यू हो गई 30, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 15। क्लियर हो रहा है? कैसे निकाला है वो देखिए, इसको मैं बता देता हूँ अगर समझ में ना आए तो। 10% की वैल्यू कितनी थी? 10% की वैल्यू 12 थी, ठीक। 4 से काटा मैंने 3 टाइम, 4 से काटा मैंने 10 टाइम, इसे 100 बनाना है तो 10 से मल्टीप्लाई, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई, तो ये 30 हो जाएगा, ठीक है। अप्रोच देखते जाइए। ओके, 15% की वैल्यू 3 है, तो 3 से मैं इसको कट करूंगा तो ये 5% की वैल्यू 1। अब 5% को मुझे 100% बनाना है, 20 से मल्टीप्लाई, तो इधर भी 20 से, तो 1 में 20 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा? 20 डेज, ठीक है। तो 5 यूनिट की वैल्यू अगर 20 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 4। तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 24। वर्बली देख रहे हैं ना, कर सकते हैं, टेबल देखिए कितने जल्दी भर जाएगी। ओके, 30% की वैल्यू अगर 6 है तो 6 से इसे कट करूंगा तो 5% की वैल्यू बनाएगी, 5% को 100 बनाना है तो 20 से इधर मल्टीप्लाई, 20 से इधर मल्टीप्लाई, यानी इधर पे 1 में 20 से मल्टीप्लाई होगा तो 20 आ जाएगा। ओके, तो इसकी तो वैल्यू आ गई 20, यानी होल वर्क हो रहा है। ये होल वर्क कितने डे में हो रहा है ये देखते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर 5 यूनिट की वैल्यू 20 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 4 तो 4 यूनिट की वैल्यू 16। तो ये तो टेबल मेरी कंप्लीट हो गई। क्लियर हो रहा है आपको? समझ में आया कि नहीं मैंने टेबल कितनी जल्दी बना ली? आपको भी रियल एग्जाम में ऐसा ही करना है और यही अप्रोच हमारी होना चाहिए। क्लियर हो रहा है? अगर क्लियर हो रहा है तो आप आगे बढ़ेंगे, ठीक। आगे बढ़ेंगे तो देखते हैं आगे क्या दिया है। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, क्या गिवन है इसमें देखते हैं। फाइंड द नंबर, देखिए पहले मैं इसका थोड़ा एक बेसिक चीज बता दूं जो मैं चीज़ अप्रोच यूज करता हूँ, आई थिंक सभी इसी से करते होंगे, बट मैं आपको एक थोड़ा सा इसका बेसिक बताता हूँ। जब भी इसका स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं ना, तो हमको एक्चुअल आंसर नहीं निकालना होता है, हमको जस्ट वहां तक पहुंचना होता है कि वहां तक हम पहुंचेंगे कैसे। एक्यूरेट आंसर जरूरी नहीं है हम निकालें या ना निकालें, हमको जस्ट वहां तक पहुंचना है, ठीक है। कैसे पहुंचते हैं वो अगर हमारे पास चीजें हैं तो हम आंसर निकालेंगे और फिर हमारा स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट में ये फायदा होता है, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। फाइंड द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय सौम्या टू कंप्लीट द जॉब सी अलोन। तो सौम्या के बारे में अगर मैं बात करूं तो सौम्या के बारे में इधर पे कोई बात नहीं है, बट इधर जॉब सी की बात है। तो जॉब सी के रिगार्डिंग मैं कुछ लेने वाला हूँ, जो भी बात होगी जॉब सी के रिगार्डिंग होगी। ओके, स्टेटमेंट फर्स्ट में क्या गिवन है? स्वाति एंड शिवानी स्टार्टेड वर्किंग टू कंप्लीट जॉब सी, कि स्वाति और शिवानी ने कंप्लीट करने के लिए क्या किया है? जॉब सी को चालू किया। ओके, सौम्या ऑल्सो ज्वाइन विद देम टू कंप्लीट ही वर्क 4 डेज बिफोर द एक्चुअल। ओके, तो स्वाति एंड शिवानी ने चालू किया ना जॉब सी, तो स्वाति एंड शिवानी की मुझे एफिशियंसी चाहिए, तो दिस इज स्वाति एंड दिस इज शिवानी, ठीक है। और इनकी एफिशिएंसी जो होगी मैं इधर लिखूंगा। तो स्वाति और शिवानी की जॉब सी को कंप्लीट करने की एफिशिएंसी चाहिए, तो जॉब सी मुझे मानना पड़ेगा कि जॉब सी है कितना यूनिट, तो मैं इनके डेज के रिगार्डिंग मानता हूँ। इनके डेज के हैं 15 और 30 ना, तो इनके डेज के रिगार्डिंग मैं मानूंगा 30 यूनिट मानूंगा ना। 30 यूनिट क्यों? क्योंकि 30 से भी कटता है एंड देन 15 से भी कटता है, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी? स्वाति की एफिशिएंसी आ जाएगी 1, क्योंकि 30 से कटेगा तो 1 आएगी, एंड देन 15 के रिगार्डिंग अगर इससे को कट करूंगा तो इसकी एफिशिएंसी आएगी। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो फिर आगे क्या दिया है? आगे वो बोलता है कि सौम्या ऑल्सो ज्वाइन विद देम टू कंप्लीट ही वर्क 4 डेज बिफोर एक्चुअल टाइम टेकन बाय स्वाति एंड शिवानी वर्किंग टुगेदर। अगर मैं इनको वर्किंग टुगेदर कराऊं तो मुझे वर्किंग टुगेदर वाली इनकी एफिशिएंसी चाहिए, तो दोनों को मिलकर जब काम करते हैं तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 3। ओके, और अगर ये 3 की एफिशिएंसी से पूरा काम 30 यूनिट खत्म करेंगे तो कितने दिन में खत्म कर लेंगे? 10 डेज में ना। ओके, तो 10 डेज में वो लोग खत्म कर लेंगे, और अगर 10 डेज में वो लोग खत्म कर लेंगे इस काम को, तो मुझे एक चीज क्या पता है कि जो सौम्या है, सौम्या ऑल्सो ज्वाइन विद देम, कि सौम्या जो भी है वो 4 दिन पहले आती है, यानी कि सौम्या ने काम जो किया होगा वो 6 दिन काम किया होगा, किसके साथ? इन दोनों के साथ मिलके। तो अब जो एफिशिएंसी आएगी वो स्वाति प्लस शिवानी प्लस सौम्या की आएगी। ओके, तो सौम्या की आएगी तो दिस इज सौम्या, ठीक है। तो सौम्या की आएगी, और इन लोगों की जो एफिशिएंसी आएगी, इन लोगों ने मिलकर कितने दिन काम किया है? 6 दिन काम किया है। क्लियर हो रहा है कि इन तीनों ने मिलकर 6 दिन काम किया है, ठीक।
और अगर 6 दिन काम किया है तो कितने यूनिट काम कर लिया होगा इन्होंने, अगर 6 दिन काम किया है तो कितने यूनिट काम कर लिया होगा, वो इधर पे देखने वाली बात है ठीक। बट मुझे अभी सौम्या की इफिशियंसी पता चलना चाहिए कि सौम्या की इफिशियंसी क्या आएगी। ओके, तो वो इफिशियंसी कैसे आएगी कि इन तीनों ने मिलकर 6 दिन में कितना काम कर लिया होगा, 30 यूनिट काम कर लिया होगा, तो 6 से मैं इसको 5 टाइम कट कर सकता हूँ ना। ओके, स्वाति की अगर मैं इफिशियंसी की बात करूँ तो 1 है, शिवानी की अगर मैं बात करूं तो 2 है, यानी कि दोनों को मिला के 3 है, और अगर दोनों को मिला के 3 है तो इधर पे जाएगा 3, इसमें से माइनस होगा तो घट जाएगा, तो सौम्या की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, सौम्या की इफिशियंसी 2 आ जाएगी। और जैसे ही सौम्या की इफिशियंसी 2 आ जाएगी तो उससे मैं ये यूनिट निकाल सकता हूँ ना कि सौम्या कितने दिन में करेगी, और वही तो मुझे पता करना था कि कितने दिन में करेगी ठीक है। तो कंप्लीट कितने दिन में कर लेगी ये मैं 2 से इसमें डिवाइड कर दूंगा, यानी कि 15 डेज, बट मुझे एक्चुअल तो निकालना ही नहीं था, यानी कि पहला वाला तो सफिशियंट है अभी, और सेकंड सफिशियंट है कि नहीं है उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्पेस चाहिए इसको क्लियर करने के लिए ठीक है। तो इसको क्लियर कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा। ओके, तो इसको हटा देता हूँ थोड़ा सा। ओके, तो ये रफ हो चुका है। स्टेटमेंट 2 की अगर मैं बात करता हूँ, स्वाति स्टार्टेड वर्किंग टू कंप्लीट जॉब सी। ओके, कि जॉब सी स्वाति ने स्टार्ट किया है करने के लिए, और विद द एफिशिएंसी ऑफ 75% ऑफ हर ओरिजिनल एफिशिएंसी, मतलब कि 75% एफिशिएंसी का यूज करती है। उसकी एक्चुअल एफिशिएंसी कितनी है, उसकी एक्चुअल एफिशिएंसी 1 है। देखो जॉब सी की बात है ना, अगर जॉब सी की बात है तो मैं काम क्या मानूंगा, मैं दोनों के इकट्ठे काम मानूंगा ना, यानी कि जो भी मैंने वर्क माना होगा वो 30 यूनिट माना होगा। ओके, तो इफिशियंसी अगर मैं निकालूंगा तो इस स्वाति की तो 1 रहेगी और इसकी 2 रहेगी, यानी कि वर्क सी की बात अगर करता हूँ, जॉब सी की बात, तो उसमें इफिशियंसी यही आएगी जो पहले वाले क्वेश्चन में आ रही थी ठीक है, अभी इसका काम नहीं है ठीक है। बट वो क्या कर रहा है कि 75% की उसकी ओरिजिनल जो एफिशिएंसी है ना, उसकी 75% का वो यूज करता है ठीक है। तो 75% इसकी एफिशिएंसी कितनी होती है, 75% को फ्रैक्शन में बोलते हैं 3/4, तो 1 का 3/4 ना, तो 1 का 3/4 ठीक है, तो ये 1 का 3/4 हो गया। आफ्टर सम डेज सौम्या ज्वाइन हर एंड कंप्लीट जॉब सी इन 30 डेज, के कुछ दिनों बाद, कुछ दिनों बाद कौन आई है कि सौम्या आ गई, यानी कि कुछ दिनों तक किसने अकेले काम किया और फिर सौम्या आ गई और फिर काम 30 डेज में खत्म हो गया। क्या जो सौम्या आई है उसकी इफिशियंसी मुझे पता है क्या, नहीं पता। देखो एक तो वो कुछ दिनों बाद आई यानी सम डेज, यानी कि एक्स की वैल्यू, और प्लस अगर सौम्या आई है तो यानी स्वाति के संग सौम्या जुड़ जाएगी और उन्होंने 30 डेज में काम खत्म किया, बट मुझे इधर से एक्स भी नहीं पता और सौम्या की इफिशियंसी भी नहीं पता, तो एक ही इक्वेशन में मैं 2 चीज फाइंड नहीं कर पाऊंगा, यानी कि ये वाला जो स्टेटमेंट है मेरा रॉन्ग हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए पूरा एग्जैक्ट सॉल्व नहीं करना होता है, बस जस्ट उसको आप समझिए ठीक। तो यानी कि मेरा इसमें आंसर आएगा ओनली ए। क्लियर हो रहा है, अगर क्लियर हो रहा है तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि मैंने देखिए, फाइंड द टोटल वेज टू कंप्लीट जॉब बी। अब बात है जॉब बी की, तो देखो जो भी दिया हुआ ना हम सिर्फ उसी को क्या करेंगे, हाईलाइट करके चलेंगे, हमें बाकी से मतलब नहीं रहेगा ठीक। तो मुझे कंप्लीट जॉब बी की क्या चाहिए, वेज चाहिए। वेज वेज मतलब कि उधर से कितने रुपए मजदूरी मिली होगी, इन लोग को कितना पैसा मिला होगा। तो स्टेटमेंट फर्स्ट की बात करता हूँ तो क्या है, स्वाति एंड शिवानी स्टार्टेड वर्किंग टू कंप्लीट जॉब बी ठीक है। तो जॉब बी को स्वाति एंड शिवानी स्टार्ट करती हैं, तो स्वाति एंड शिवानी ठीक। और स्वाति और शिवानी की अगर मैं एफिशियंसी देखूँ तो एफिशियंसी क्या आने वाली है, देखिए तो जॉब बी है क्या, जॉब बी 30 और 25 है, 30 और 25 का अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो 150 यूनिट। देखिए ये चीजें जब प्रैक्टिस हो जाती है ना तो अपने आप से दिखने लगती हैं कि ये चीजें होंगी क्या। देखिए मैं अगर नहीं आती है ये चीज तो मैं इसका एक बेसिक फॉर्मूला बताता हूँ कि वो होता क्या है, कैसे। फॉर्मूला नहीं है एक्चुअली में, एक वो है ट्रिक्स है उसकी। देखो 25 दोनों में से जो छोटा नंबर है ना उसका टेबल पढ़ते हैं, 25 बंदा 25, क्या ये काट रहा है, हाँ ये कट कर रहा है बट ये कट नहीं कर रहा। 25 2 50, 25 2 50 ये तो कट कर रहा बट ये कट नहीं कर रहा ना 50 को, तो 25 3 75 ये कट कर रहा है बट ये नहीं कर रहा, तो क्या करूंगा मैं, 25 3 75 हो गया तो 25 का ऐसा मल्टीप्लाई करता जाऊंगा जब तक वो कट ना हो, या 25 बंदा 25 कट नहीं कर रहा उसका दुगना करूंगा, कट नहीं कर रहा उसका दुगना करूंगा, 50 का दुगना 100, कट नहीं कर रहा तो 50 का तिगुना कर लूंगा, हाँ 150 कट हो रहा है, तो ऐसे कर सकता हूँ। ये अप्रोच होती है, छोटी मोटी चीजें हैं, बेसिक है, बट जब आप प्रैक्टिस कर ले तो चीजें दिखने लगती हैं आपको, ये सब चीजों की हेल्प नहीं लेना पड़ती है ठीक है। तो 30 के हिसाब से अगर मैं इसकी एफिशिएंसी निकालूं तो कितनी आएगी, 150/30 यानी कि 6,
क्लियर है ना। और अगर 25 के अकॉर्डिंग निकालूं, सॉरी 150 की वजह से ये आएगी, 150/30 आएगा, तो ये 3 5 बार कटेगा, ओके, और ये 25 से ये 6 बार कटेगा, तो दोनों की एफिशिएंसी मुझे इंडिविजुअली आ गई। ठीक है, आगे देखता हूँ क्या है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय स्वाति एंड शिवानी इज कंप्लीटेड टू जॉब इज 3/4, यानी कि जो इनका रेशियो है कंप्लीट करने का, कि इनका जो काम कंप्लीट करने का जो रेशियो है वो कितना है, वो 3:4 है। ओके, यानी कि इसने इतने दिन में काम किया होगा और इसने इतने दिन, बट इसके रिगार्डिंग मुझे कुछ नहीं पता ना कि ये 3x मान लूंगा और इसे 4x मानना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे इंडिविजुअल डेज नहीं पता, तो इसको 3x लूंगा एंड देन इसे 4x लूंगा। यानी स्वाति ने 3x की उससे कितने दिन काम किया है, 3x, सॉरी 5 की एफिशिएंसी से 3x दिन काम किया है। ओके, तो स्वाति ने क्या किया है, 5 की एफिशिएंसी से 3x काम किया है। और क्या के अगर मैं शिवानी की बात करूं तो शिवानी ने 6 की एफिशिएंसी से 4x डे काम किया। ठीक है, और अगर मैं आगे देखता हूं तो आगे क्या है, द डिफरेंस बिटवीन देयर वेजेस, तो वेजेस यही है ना कि उसने 5 की एफिशिएंसी से जितने दिन काम किया तो वही तो उसको वेज मिलेगा ना, और इधर भी देखो, इधर भी उसने 6 की एफिशिएंसी जितने दिन काम किया वो वही वेज मिलेगा। अगर मैं इसका डिफरेंस देखूँ ना तो डिफरेंस कितना आएगा, देखिए ये हो गया मेरा 5 × 3 = 15, और ये हो गया मेरा 6 × 6 = 24, यानी 24 में से जब 15 जाता है तो कितना बचता है, 11x। ओके, तो 11x के रिगार्डिंग तो टोटल जो भी डिफरेंस आया वो इतना है, और वेजेस का डिफरेंस कितना है, 300, तो बराबर में 300, और 11 से 300 कट नहीं रहा, यानी कि कुछ मिसिंग है। क्या दिया था, एक बार फिर से रीड करते हैं। स्वाति एंड शिवानी स्टार्टेड वर्किंग टू कंप्लीट जॉब बी विद देयर एफिशिएंसी ऑफ 20% एंड 25% लेस देन द ओरिजिनल एफिशिएंसी, ये वाली लाइन मिस हो गई थी। ओके, तो उनकी ओरिजिनल एफिशिएंसी ये है, यानी कि स्वाति ने कितना कम किया है, स्वाति ने कम किया है 20%, तो 20% अगर कम कर रही है यानी कि 80% से कर रही है ना, 80% ऑफ 5, तो 5 का 80% मुझे नहीं पता, तो मैं 50% ऑफ 8 निकाल लूंगा, तो 50% ऑफ 8 4। कैसे किया मैंने, 5 का 80% क्या होता है नहीं पता, तो मैं क्या करूंगा, इसका 0 भी इसे दे दूंगा और इसका परसेंट भी इसे दे दूंगा, तो यानी कुछ ऐसा बना लूंगा मैं, है ना, और 50% 1/2 होता है, इससे कट कर दूंगा तो 4 हो जाएगा। ठीक, क्लियर, समझ में आ रहा है। 25% लेस करना है, 25% लेस करना है किसकी, शिवानी की एफिशिएंसी, यानी कि 75% से मल्टीप्लाई कराऊंगा इसमें, तो 6 से जब मैं 75% में मल्टीप्लाई कराता हूँ तो ये क्या होता है, देखिए इसका करूंगा मैं 2 टाइम्स और इसका करूंगा हाफ, इसका दोगुना करूंगा यानी कि दिस, और इसका आधा करूंगा दिस, इक्वेशन पे कोई मेरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो जैसे ही मैं इसका आधा करता हूँ तो ये 3 हो जाएगा, और जैसे ही मैं इसका दोगुना करता हूँ तो ये 150 हो जाएगा, और 150% क्या होता है, देखो 15 × 3 = 45, यानी 450%, 450% कुछ नहीं होता, 4.5 होता है, तो इसकी एफिशिएंसी 4.5 आएगी। और सुनो, ये सारी चीजें ओरली होती है, मैं जस्ट आपको अप्रोच बता रहा हूँ कि करना कैसे होता है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ, अदरवाइज मैं लिखता नहीं हूँ उसको। ठीक है, तो ये इस वाली इससे करेगी और ये इस वाली एफिशिएंसी, तो जहां मैंने 5 लिया था उधर मुझे 4 लेना पड़ेगा, और जहां 6 लिया था उधर पर मैं 4.5 लिखूंगा। ठीक है, इसको मैं अलग से भी लिख सकता हूँ, कैसे लिखूंगा देखिए, कि इसने कितने दिन काम किया था, 3x, यानी कि 4 की एफिशिएंसी से 3x काम किया था। ठीक, और इसने कितने दिन काम किया था, 4.5 की एफिशिएंसी से 4x डेज काम किया था। ये चीज आपको क्लियरली समझ में आ रही है ना, अगर ये चीज क्लियरली समझ में आ रही है तो अब देखिए क्या है, द डिफरेंस ऑफ वेजेस, दिस इज द स्वाधीश वेजेस एंड दिस इज द शिवानी वेज। ओके, तो ये कितना है वो देखेंगे और ये कितना है वो देखेंगे, बट इनका जो डिफरेंस है वो कितना है, वो 300 है। अच्छा, अगर वो 300 डिफरेंस है तो मैं देखता हूँ ये कितने हैं, 12x, और ये कितने हैं, देखो 45 × 4 = 180 होते हैं, बस ये 4.5 है, तो 180 का एक जीरो हट जाएगा यानी 18x, और इनका डिफरेंस देखता हूँ तो 6x बराबर में मेरा कितना है, 300, तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू मेरी 50 आ जाएगी, और जैसे ही x की वैल्यू आएगी मैं इधर रखूंगा तो इसका टोटल वेज, और इधर रखूंगा तो इसका टोटल वेज, और दोनों को जोड़ दूंगा तो टोटल वेज, और वही मुझे चाहिए था कि टोटल वेज क्या आएगा, तो स्टेटमेंट फर्स्ट मेरा इधर पे सेटिस्फाई हो रहा है, और स्टेटमेंट फर्स्ट सेटिस्फाई हो रहा है तो जस्ट मुझे क्या चेक करना है अभी, स्टेटमेंट टू, और उसके लिए मुझे इसको रफ करना पड़ेगा। ओके, नाउ स्टेटमेंट टू देखते हैं, ये वाला मेरा सेटिस्फाई हो रहा था, तो स्टेटमेंट टू में क्या है, शिवानी स्टार्ट वर्किंग टू कंप्लीट जॉब बी। ठीक है, कि शिवानी ने जॉब बी को कंप्लीट किया करने के लिए स्टार्ट किया है जॉब बी को। ठीक है, आफ्टर 6 डेज स्वाति ऑल्सो ज्वाइन विथ हर, मतलब कि आफ्टर 6 डे, मतलब शिवानी ने स्टार्ट किया है और 6 दिन के बाद स्वाति ने उसको ज्वाइन कर लिया, यानी कि बात कर रहे हैं इधर पे किसकी, जॉब बी की, तो जॉब बी को ही हमको क्या करना है, टारगेट करना है। ठीक, शिवानी ने स्टार्ट किया है काम करना और 6 दिन बाद क्या किया है, किसने ज्वाइन किया है उसको, स्वाति ने इसको ज्वाइन किया है विद द इंक्रीज ऑफ हर
ओरिजिनल इफिशियंसी बाय 20%, यानी स्वाति जो इसमें ज्वाइन हो रही है वो अपनी 20% अपनी जो उसकी क्या है इफिशियंसी है उसको बढ़ाकर ज्वाइन हो रही है। अगर मैं इसकी इंडिविजुअल इफिशियंसी निकालूं दोनों की, तो स्वाति की इफिशियंसी क्या आएगी और शिवानी की इफिशियंसी क्या आएगी वो मुझे पता होना चाहिए। तो जॉब बी की बात करता हूँ, तो अभी मैं इसमें कर भी चुका हूँ, तो ये 150 यूनिट आया था, ठीक है। और इसकी इफिशियंसी कितनी आई थी, स्वाति की 30 से डिवाइड करता हूँ तो 5, और इसकी आई थी 6, ठीक है। तो स्वाति ने शिवानी ने काम चालू किया ना, तो शिवानी ने अगर इसमें वर्क चालू किया है तो उसने कितने दिन काम किया, 6 दिन तक तो काम उसने अकेले ही किया ना, उसके बाद स्वाति जुड़ी है, तो शिवानी से 6 दिन तो काम करा ही लूँ। उसके बाद कौन जुड़ी है, उसके बाद कौन जुड़ी है, उसके बाद स्वाति जुड़ी है। तो स्वाति किसके साथ जुड़ी है, शिवानी के संग, यानी शिवानी की इफिशियंसी के संग कौन जुड़ गई, स्वाति जुड़ गई। और स्वाति जो जुड़ी है वो कितनी इफिशियंसी के संग जुड़ी है, अपनी इफिशियंसी का 120%, मतलब 120% ही करूंगा ना, क्योंकि इंक्रीज कर रही है 20%, यानी 5 का 120%, 5 का 120% कितना होता है, 120 × 5 = 600 होता है, 600 कुछ नहीं होता है, परसेंट से दोनों जीरो हटेंगे, यानी कि 6, यानी ये जो हो रही है अपनी ओरिजिनल एफिशियंसी से बढ़ के कुछ ज्यादा आ रही है, यानी कि 6 की इफिशियंसी से आ रही है। कौन आ रही है, ये स्वाति है, ये कौन है, शिवानी, और ये कौन है, स्वाति। समझ में आ रहा है, अच्छा आगे देखते हैं। शिवानी लेफ्ट द वर्क 5 days बिफोर द वर्क वॉज कंप्लीटेड, यानी कि इसने कितने दिन काम किया वो मुझे नहीं पता, बट इसने ये बोला है कि वो 6 5 दिन पहले काम छोड़कर चली जाती, यानी कि लास्ट का जो 5 days वर्क है वो किसने किया होगा, वो अकेले शिवानी ने किया होगा ना, अगर स्वाति भाग जाएगी तो। अच्छा तो स्वाति ने किया होगा तो स्वाति की, सॉरी शिवानी ने किया होगा तो शिवानी की इफिशियंसी तो 6 है, तो उसने 5 दिन और काम किया, क्लियर हो रहा है, और ये काम मेरा हो गया पूरा कंप्लीट। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, अगर नहीं आई तो आप इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा बैक करके, ठीक है। तो मैंने क्या देखा है कि आगे जाके अगर मैं देखता हूँ तो स्वाति जब छोड़ जाती है 5 दिन पहले काम, तो उसे कितने वेजेस मिलता है, उसे वेज मिलता है 8400 रुपए का, उसे क्या मिलता है, वेज मिलता है, यानी 8400 का वेज किसे मिलता है, स्वाति को मिलता है, ठीक है। तो उसके आगे देखता हूँ मैं क्या है कि इधर पे मैं देखता हूँ कि 6 × 6 = 36, यानी कि ये कितना हो गया 36, और ये कितना हो गया 30, है ना, जो 36 और 30 मेरा हो गया 96, और अंदर मैं इसका मल्टीप्लाई कराऊंगा तो यानी कि 12x + 96 बराबर में 150, क्लियर हो रहा है। तो 12x की वैल्यू कितनी आएगी, 150 - 96 है, ओके। अब देखिए इसको मैं माइनस नहीं करूंगा, इसको जस्ट काटने की एक अप्रोच देखता हूँ, 12 से ये कटेगा, 120 कटता है 10 बार, फिर बचेगा क्या 30, 30 इसमें से मैं घटा दूंगा तो ये बचेगा 36, यानी कि ये कट जाएगा 3 बार, ये कटा 10 बार, ये 3 बार, तो एक्स की वैल्यू 7। क्लियरली समझ में आया, देखिए इसको समझाता हूँ, ऐसे ही करना है एग्जाम में, अप्रोच सीखते जाइए बस। ये 120 हो जाएगा, प्लस का 30 बचेगा, माइनस का 96 बचेगा, इसमें से घटा दूंगा तो माइनस का 36 बचेगा, 12 से ये कटता है कितनी बार, 10 बार, और ये कटता है 3 बार, यानी कि 10 - 3 व्हाट, 7। लिखना नहीं है, वर्बली करना है, तो x की वैल्यू 7 आ गई ना, अगर x की वैल्यू 7 आ गई तो देखिए वेजेस बढ़ता किस हिसाब से है कि उनकी जो एफिशिएंसी रहती है वो, और जितने दिन उनने काम किया वो, उसका जो रेशियो आता है उसके हिसाब से वेजेस बढ़ता है, ठीक है। तो स्वाति देखते हैं कि स्वाति ने कितने दिन काम किया और कितनी एफिशिएंसी से किया, तो स्वाति ने 6 की एफिशिएंसी से किया, कितने दिन, सिर्फ 7 दिन ना, क्योंकि एक्स का मल्टीप्लाई होगा, तो स्वाति ने सिर्फ 42 दिन काम किया, और 42 दिन काम करके उसे कितना धन मिल गया, उसे धन मिल गया 8400 रुपए का, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, एक यूनिट की वैल्यू आएगी कहीं ना कहीं 200 रुपए, क्लियर हो रहा है। तो क्या बताना था उसे, ये बताना था कि जो कंप्लीटेड वेज है वो कंप्लीटेड वेज निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है, इसे बिल्कुल निकल सकता है। अगर मैं शिवानी का भी निकाल लूं तो शिवानी ने कितने दिन काम किया, 6 दिन काम इधर किया, 7 दिन काम इधर किया, क्योंकि देखो इधर भी किया, और 5 दिन काम इधर किया, तो 6 × 5 = 11 और 18, यानी 18 की मैं वैल्यू निकाल लूंगा, 18 की वैल्यू के लिए 18 से इधर 18 से इधर, यानी कि कितना 3600 आ जाएगा, है ना, और पहले से मेरे पास 8400 था, अगर दोनों को जोड़ लूंगा तो टोटल वेज आ जाएगा मेरा, तो इससे भी मैं निकाल सकता हूँ ना, देखो एग्जैक्ट नहीं निकालना होता है, मैं पहले क्वेश्चन में बता चुका हूँ आपको, तो इससे भी मेरा वेज आ सकता है, यानी कि मेरा कौन सा हो जाएगा, बोथ ना, यानी कि बोथ तो नहीं होगा, देखो बोथ कब होता है, जब इसको और इसको मिला के आंसर हो, बट इधर से इंडिविजुअल इससे भी आंसर हो रहा है, इंडिविजुअल इससे भी, तो कौन सा, इधर और वाला केस है, तो इधर और वाला कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डेज टेकन टू कंप्लीट जॉब ए, बात है जॉब ए की, बात किसकी है, बात जॉब ए की है, तो जॉब ए की बात है, तो जॉब ए में जो जो दिए हैं ना पहले उनको मैं उनकी इफिशियंसी निकाल लेता हूँ, देन टोटल एक वर्क मान लेता हूँ। तो जॉब ए में 25 डेज एंड 20 डेज हैं, तो 25 और 20 डेज के रिगार्डिंग मैं क्या काम मानता हूँ, 100 यूनिट,
क्लियर हो गया, ये 100 यूनिट मैंने काम माना। तो स्वाति की एफिशिएंसी कितनी निकलेगी, ये निकलेगी 25 से कट करूंगा तो 4, और शिवानी की कितनी निकलेगी, शिवानी की अगर मैं 20 से कट करूंगा तो 5, ये एफिशिएंसी है। ठीक है, आगे देखता हूँ कि शिवानी स्टार्टेड वर्किंग टू कंप्लीट जॉब ए। ठीक है, मतलब क्या है कि शिवानी ने स्टार्ट किया है काम करना, ओके, जॉब ए। एंड आफ्टर 5 डेज जननी ज्वाइन विथ हर। ठीक है, कि शिवानी ने स्टार्ट किया, अगर शिवानी ने स्टार्ट किया तो कितनी एफिशिएंसी से, 5 की एफिशिएंसी से स्टार्ट किया और 4 दिन तक इसने अकेले काम किया, उसके बाद सॉरी 5 दिन तक इसने अकेले काम किया, उसके 5 दिन के बाद जननी आई ना, तो 5 दिन के बाद अगर जननी आई तो वो किसके संग, शिवानी के संग, यानी कि 5 की एफिशिएंसी शिवानी की और इधर पे जननी की एफिशिएंसी। ठीक है, फिर क्या बोलते हैं विथ हर। ठीक है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ डेज दे वर्क टू कम्प्लीट जॉब ए इज इतना और इतना, यानी कि इधर पे जो भी वर्क हुआ होगा वो एक्स दिन चला होगा और बराबर में कितना 100 यूनिट। देखिए अब एक पर्टिकुलर इक्वेशन से मैं ये दोनों चीज निकाल सकता, और इधर पे मुझे क्या दिया है 35 और 12 मुझे रेशियो दिया है कि जो अब ए कंप्लीट हो सकता है, बट तब भी मुझे जे की इफिशियंसी नहीं पता ना, और अगर मुझे जे की इफिशियंसी नहीं पता तो मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर सकता, यानी कि पहले वाले से मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता, मुझे इंडिविजुअली इफिशियंसी पता होनी चाहिए। मेन चीज होती है इफिशियंसी से, अगर आपको इफिशियंसी पता है देन आप कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, यानी ये इंडिविजुअल अकेला अकेला तो नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखिए, अगर आगे का क्वेश्चन मैं पूरा पढ़ता हूँ तो जननी का कहीं इधर पे रोल ही नहीं है, मतलब इधर पे कहीं उसको सो ही नहीं किया, जननी को सो नहीं किया, यानी कि पहला अकेला भी क्या नहीं है, सफिशियंट नहीं है, और इसके साथ भी सफिशियंट नहीं होगा, तो अकेला वाला भी ऑप्शन हट जाएगा और बोथ वाला भी हट जाएगा, तो बोथ वाला भी हट जाएगा। ठीक है, तो अब जस्ट हमें देखना है कि कौन सा हो रहा है, तो ये इधर और वाला भी हट जाएगा क्योंकि पहला है ही नहीं। तो सेकेंड वाले में क्या देखते हैं कि सुमी इज 25% मोर एफिशियंट देन, किससे, सुमी जो है वो मोर एफिशिएंट है देन स्वाति टू कंप्लीट जॉब ए, यानी कि स्वाति की जो एफिशिएंसी है, देखो जॉब ए की बात है ना तो एफिशिएंसी तो चेंज होगी नहीं, बट इधर पे एक सुमी की एफिशिएंसी और आ जाएगी। तो सुमी की एफिशिएंसी क्या है, सुमी की एफिशिएंसी 25% मोर है, यानी कि स्वाति की एफिशिएंसी से, यानी कि 4 × 125% है ना। देखो 125 चौके कितने होते हैं, 500, 500 के परसेंट से दोनों जीरो हट जाएंगे तो सुमी की एफिशिएंसी आ जाएगी 5। क्लियर हो गया। अच्छा, दे वर्क अल्टरनेटिवली स्टार्टिंग विद सुमी। अब वो क्या कर रहे हैं कि अल्टरनेट वे में काम चालू करते हैं, तो अल्टरनेट वे में करेंगे तो पहले सुमी करेगा एंड देन फिर स्वाति करेगी। स्वाति ही क्यों करेगी, क्योंकि इधर पे स्वाति की बात चल रही है। ठीक है, तो सुमी करेगा तो सुमी की जो एफिशिएंसी है वो 5 है, और एफिशिएंसी जो स्वाति की है वो 4 है, यानी कि पहले दिन ये करेगा दूसरे दिन ये करेगा, यानी 2 डेज की जो एफिशिएंसी आ गई, 2 डेज में कितना यूनिट काम हो जाएगा, 2 डेज में 9 यूनिट काम हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, अगर 2 डे में 9 यूनिट काम हो जाएगा तो क्या मैं 100 यूनिट नहीं करा सकता हूँ, कुछ ना कुछ करके मैं जो अल्टरनेट वाले जो तरीका होता है उससे मैं करा सकता हूँ। बट मैंने पहले ही क्वेश्चन में बोला था कि मुझे एग्जैक्ट आंसर इसमें नहीं निकालना होता है, मुझे बस जरिया देखना होता है कि उस तक मैं पहुंच सकता हूँ कि नहीं, तो मैं इधर पे एक्चुअली मैं पहुंच सकता हूँ ना कि इधर पे मैं 12 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 12×96 काम हो जाएगा, तो 12 से इधर कराऊंगा, एक सेकंड, तो 12 से मैं इधर पे भी कराऊंगा ना तो 12×24 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, यानी कि 24 डेज में कितना मेरा काम हो गया, 24 डेज में मेरा, सॉरी 12 नहीं, इधर पे मुझे 11 कराना पड़ेगा, 9 है ना तो 11×9=99, तो 11 से इधर कराऊंगा तो ये 22 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 99 यूनिट हो जाएगा। अब बारी किसकी आएगी, देखो अब बारी आएगी इसकी, यानी कि सुमी की, तो काम बचा कितना है 1 यूनिट, तो सुमी की बारी आएगी यानी 10, यानी 99, ये कितना हो गया था 22/1/5 डे में काम ये पूरा कर लेगा। बट मुझे इसकी जरूरत नहीं है ना, मुझे सिर्फ जरूरत जिसकी है वो देखता हूँ, तो जरूरत क्या है कि सेकंड वाले से मेरा आंसर निकल सकता है, ओके, मुझे एग्जैक्ट नहीं निकालना बट निकल सकता है, तो ओनली बी। ठीक है, जब आएगा एग्जैक्ट वाला तब एग्जैक्ट से करेंगे ना, बट इधर पे जरूरत ही नहीं एग्जैक्ट कैसे करने की, मुझे तो देखो डाटा सफिशियंसी का क्वेश्चन है तो उधर दिमाग का काम होता है। ठीक है, लॉजिकल आपको निकालना होता है, बस आपको उधर तक पहुंचना है, आपको उधर पूरा एक्यूरेट आंसर निकाल के उसमें फंसना नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या गिवन है, ओके, देखिए इसमें क्या गिवन है, निकालना क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय क्रिस अलोन टू कंप्लीट जॉब डी। ठीक है, तो क्रिस अगर अलोन कंप्लीट जॉब डी को अगर करना चाहता है तो उसके लिए क्रिस की मुझे क्या पता होना चाहिए, क्रिस की इफिशियंसी पता होनी चाहिए, है ना, तो अगर जिससे मुझे इफिशियंसी मिल जाए उसी से मैं इसका आंसर निकाल सकता हूँ। तो बात है जॉब डी की,
किस में? स्टेटमेंट फर्स्ट में। तो जॉब डी की अगर मैं बात करता हूँ तो काम क्या मानूंगा मैं इधर पे? इधर पे मुझे काम मानना पड़ेगा कुछ ऐसा जो इससे भी कट जाए और इससे भी, यानी कि 120 यूनिट। क्लियर है ना? अच्छा, 20 से कितनी बार कटता है? तो स्वाति की एफिशिएंसी आएगी और शिवानी की क्या आएगी? जो वो 24 से कटेगा, तो 24 से ये 5 बार कटता है, इन 20 से ये कितनी बार कटता है? 6 बार कटता है। ठीक है, तो इनकी इंडिविजुअल एफिशिएंसी आ गई। क्या बोल रहा है कि शिवानी एंड क्रिस स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, ओके, वर्किंग टू कंप्लीट जॉब डी, एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ डेज वर्क बाय शिवानी टू क्रिस इज 5:2। ठीक है, मुझे डेज का रेशियो पता पड़ गया, बट क्या मुझे ये पता है कि ये इंडिविजुअल जो काम है उसे क्रिस कितने एफिशिएंसी से कर रहा है? नहीं पता पड़ रहा ना। और अगर एफिशिएंसी पता नहीं पड़ रही तो स्टेटमेंट पहला नहीं हो सकता है। अब आप बोलोगे कि इनका डे का ये तो दिया है कि डे का रेशियो दिया है, ये शिवानी कर रही है 20 दिन में, तो 5 से इसको मैं कट करके 4 निकाल लूं तो ये करेगा 8 दिन में। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये जो काम कर रही है ये कोई और काम कर रही है, बट अगर मैं इंडिविजुअल जॉब डी की बात कर रहा हूँ ना, जो भी है इसमें जॉब डी, अगर इसके रिगार्डिंग भी अगर मैं बात कर रहा हूँ ना, तो इससे कुछ और भी निकलेगी, वो मुझे मैटर नहीं करता है। बट जॉब डी की जो भी वैल्यू अगर मैं निकालना चाहता हूँ, तो इंडिविजुअल इस वाली की मुझे इधर पे एफिशियंसी पता होना चाहिए। इधर पे एफिशियंसी नहीं पता पड़ेगी उसके, और एफिशियंसी पता नहीं पड़ेगी तो मैं इसको नहीं निकाल सकता, यानी कि ये अलोन मेरा सफिशियंट कभी नहीं होगा। ठीक है, तो आगे वाला देखते हैं। अगर ए अलोन सफिशियंट नहीं है तो यानी कि अलोन वाला तो गया, इधर और वाला भी गया, और बोथ वाला भी गया, तो यानी कि या तो आंसर ये होगा या तो फिर आंसर ये होगा, यानी कि ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या है इसमें। शिवानी एंड क्रिश कंप्लीट द जॉब बी इन इतने डेज में। ठीक है, अगर शिवानी एंड क्रिश कंप्लीटली अगर उसे जॉब को करते हैं तो इतने दिन में वो क्या कर लेते हैं, इतने दिन में क्या करते हैं, इन 375/88 डेज लेस देन द टोटल नंबर ऑफ डेज टेकन बाय शिवानी एंड स्वाति वर्किंग टुगेदर। क्लियरली समझ में आ रहा है आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि शिवानी और स्वाति को काम करने में जितना समय लगता है ना, उससे इतने दिन कम लगते हैं किसे, शिवानी को और क्रिश को करने में। अब आप थोड़ा सा इधर पे क्या है, चूजी होके देखिए, शिवानी एंड स्वाति जितने भी दिन में करेंगी तो वो डेटा जो है वो मेरा पूरा है ना, किसमें? देखिए, जॉब बी की अगर बात करता हूँ तो जॉब बी के रिगार्डिंग मैं निकाल सकता हूँ कि शिवानी ने और इसने दोनों ने मिलकर कितने दिन में किया होगा, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो उसमें से मैं इतने दिन डेज माइनस कर दूंगा, इतने डेज में माइनस कर दूंगा तो मुझे कितने किसके बारे में पता पड़ जाएगा, शिवानी और क्रिश के बारे में। और जैसे ही शिवानी और क्रिश के बारे में डे के रिगार्डिंग कंडीशन आएगी तो मैं उधर से शिवानी की माइनस करके क्रिश के लिए निकाल सकता हूँ एक्चुअल में। अब आप बोलोगे कि इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फिर फर्क क्या रहेगा? देखिए, इधर पे जो डे दे रहा है ना, इंडिविजुअल स्टेटमेंट आपको एक डेज दे रहा है, बट इधर पे वो इंडिविजुअल डे नहीं दे रहा था, वो उसका रेशियो दे रहा था। तो एक्चुअल में यही इसका अंतर हो जाता है। इसको क्वेश्चन को करके मैं आपको बताता हूँ, बट ये वाला मेरा फॉलो हो जाएगा, वो मैं समझ गया। ठीक है, तो शिवानी और स्वाति अगर टुगेदर काम करते हैं तो शिवानी एंड स्वाति की अगर मैं एफिशिएंसी देखूं जॉब बी में, क्योंकि इधर पे जॉब बी के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, ये है जॉब बी, तो शिवानी स्वाति और शिवानी की देखना है ना मुझे, तो शिवानी नीचे वाली। ओके, तो इधर पे मैं काम क्या माना था, 150। देखो पहले भी मान चुका हूं मैं 150 यूनिट यानी 150 यूनिट, तो शिवानी की कितनी निकली थी 5 और इसकी निकली थी 6। ठीक है, और अगर ये दोनों मिलकर काम करते हैं तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, दोनों मिलकर यूनिट बनाएंगे 11, है ना, वो कितने दिन में कर लेंगे, 150/11 दिन में। क्लियर हो गया, ये इतने दिन में कर लेंगे। लेकिन शिवानी और क्रिश की अगर मैं बात करूं तो शिवानी और क्रिश क्या करते हैं कि शिवानी प्लस क्रिश क्या करते हैं कि इतने दिन में से इतने दिन कम कर दो, उतने दिन में कर रहे हैं, यानी कि शिवानी और क्रिश इनटू में आएगा ना, डे इनटू में आते हैं, एफिशिएंसी के इनटू में आते हैं, कि इतने दिन में से इतने दिन मैं कम कर दूं, यानी 375/88। ठीक है, अब देखो शिवानी की एफिशिएंसी इधर से मुझे पता है कि 6 है। ठीक है, और देखो क्रिश ही की नहीं पता ना, इधर पे क्रिश की एफिशिएंसी नहीं पता है मुझे, और काम कितना है, काम है ये 150 यूनिट काम, तो यानी कि ये इक्वेशन में मुझे पूरी चीज में ये निकाल सकता हूँ ना, ये 150 है, सॉरी, हाँ, इधर से मैं क्रिश की वैल्यू निकाल सकता हूँ ना। क्रिश की कैसे निकालूंगा, इन दोनों को सॉल्व करूंगा, मतलब मल्टीप्लाई में ये इन दोनों को सॉल्व करूंगा, इधर पे मल्टीप्लाई करूंगा, देन 6 के रिगार्डिंग में के निकाल सकता हूँ। मुझे क्यों इतनी लंबी कैलकुलेशन करना है, मुझे करना ही नहीं है कैलकुलेशन, वाई? क्योंकि मुझे देख के ही समझ में आ जाएंगी कि चीजें क्या है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, अगर आपका तरीका ये वाला होगा ना अप्रोच, अगर इस टाइप के तरीका होंगे तो आप इजिली उसे कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 में आंसर हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि ये अकेला सफिशियंट है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो अगले क्वेश्चन में क्या है,
व्हाट इज द एफिशिएंसी रेशियो ऑफ जानवी टू कमली। तो जानवी और कमली की क्या चाहिए, रेशियो चाहिए किसका, जानवी और कमाली जो भी है, कमली कमाली जो भी है, तो इनकी इफिशियंसी का रेशियो चाहिए मुझे, इफिशियंसी का रेशियो, ये वाली चीज जिससे मिल जाएगी वही मेरा आंसर होगा। ठीक है, शिवानी स्टार्टेड वर्किंग टू कंप्लीट जॉब सी, कि शिवानी ने क्या किया है कि जॉब सी को करने के लिए काम चालू किया है आफ्टर 4 डेज, यानी शिवानी ने 4 दिन तक तो काम किया। तो जॉब सी के रिगार्डिंग पहले बात हो रही है, तो जॉब सी के रिगार्डिंग में इधर पे इनकी इफिशियंसी निकालो। तो पहले है स्वाति, फिर है शिवानी। देखिए ये स्वाति क्यों ले रहा हूं मैं बार बार, क्योंकि इसमें दिया गया है। ठीक है, तो जॉब सी की अगर मैं बात करता हूँ तो 30 और 15 के इससे मेरे यूनिट निकलेगी 30 यूनिट, है ना, काम। अच्छा 30 यूनिट के हिसाब से इसकी एफिशिएंसी 1 आएगी और इसकी एफिशिएंसी 2 आएगी शिवानी की। ठीक, तो शिवानी स्टार्टेड वर्क टू कंप्लीट जॉब सी एंड आफ्टर 4 डेज, यानी कि 4 दिन तक तो उसने अकेले ही काम किया, फिर ज्वाइन हुई कौन, जानवी। तो यानी कि आफ्टर 4 डेज जानवी ज्वाइन हुई है, तो 4 दिन तक तो उसने अकेले किया, तो 4 दिन तक शिवानी ने अकेले किया, यानी कि 2 की एफिशिएंसी से 4 दिन तक उसने अकेले किया। प्लस फिर शिवानी के संग कौन आ गया, जानवी आ गई। तो शिवानी के साथ यानी 2 की एफिशिएंसी के साथ कौन आ गई, जानवी आ गई, दिस इज द जे, है ना, जानवी आ गई विथ हिम। एंड आफ्टर फ्यू डेज जानवी रिप्लेस बाय कमली, आफ्टर फ्यू डेज मतलब कि इन लोगों ने एक्स दिन काम किया, फिर उसके बाद क्या हुआ, शिवानी तो वहीं की वहीं रही बट कमली आ गई इसकी जगह। ठीक है, द रिमेनिंग वर्क वॉज कम्प्लीटेड इन 5 डेज, कि जो बचा हुआ काम था यानी इन दोनों ने जो काम किया वो 5 दिन तक काम किया, बराबर में ये टोटल पूरा काम हो चुका है ना, यानी कि 30 बराबर में 30 टोटल काम था, तो 30। अब ये देखिए, अब मैं इस इक्वेशन को अकेले अगर यूज करूं तो देखो मुझे जे भी नहीं पता, मुझे एक्स भी नहीं पता, मुझे के भी नहीं पता। हालांकि मुझे इसका पता होने से कुछ मतलब नहीं है, बट मुझे जे और के का रेशियो चाहिए। जे और के का रेशियो मुझे कहाँ से मिलता है, देखो अगर मुझे एक्स पता होता ना तो मैं कोशिश कर भी सकता था निकालने की, बट अगर एक्स पता भी चल जाता तब भी मेरा नहीं निकलता। देखो एक्स का अगर मैं मल्टीप्लाई करता तो प्लस में इक्वेशन आती है, प्लस में इसमें इक्वेशन कभी भी रेशियो नहीं देती। ये छोटी छोटी चीजें आप सीख सकते हैं कि प्लस में इक्वेशन आएगी या जो भी चीज आएगी, प्रैक्टिस आप करोगे ना तो आपको चीजें दिखने लगेंगी कि जब भी प्लस में क्वेश्चन आएगी वो आपको रेशियो नहीं देगी, और नहीं देगी तो यानी पहला स्टेटमेंट मेरा रॉन्ग हो जाएगा, और पहला रॉन्ग हो जाएगा तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा, इधर और वाला रॉन्ग हो जाएगा, और ये वाला। और तो जब भी आप रियल एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे ना तो आप ये करते रहेंगे कि मतलब जैसे ही पहला रॉन्ग होगा तो उसके रिगार्डिंग मैं सारे ये हटा दूंगा जो जिन 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 में पहला बिल्कुल 100% रॉन्ग हो रहा है। ठीक है, बाकी फिर क्या है कि कम चीजें देखते हैं ना तो थोड़ा सा माइंड को ऐसा लगता है, वो थोड़ा इल्यूजन करने लगता है कि यार अब तो क्वेश्चन मतलब हो गया, क्लियर है ना। तो स्टेटमेंट 2 देखते हैं, तो स्टेटमेंट 2 देखने के लिए मैं थोड़ा सा रफ कर लूंगा इसको। ओके, तो स्टेटमेंट 2 में क्या गिवेन है, देखिए स्टेटमेंट 2 में गिवेन है कि जानवी एंड कमली स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर टू कंप्लीट, देखिए ये अभी अकेला नहीं है, इसके संग में होगा तो मैं उसको देख लूंगा बट अभी तो नहीं है। ठीक, जानवी एंड कमली स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर टू कंप्लीट जॉब बी। अब जॉब बी की बात है, ठीक, तो जॉब बी की बात में अगर मैं देखता हूँ तो पहले मुझे स्वाति चाहिए एंड देन शिवानी चाहिए। ठीक है, और जॉब बी में मैं क्या देखता हूँ कि 325 है, तो 325 में एलसीएम क्या आता है, 325 में एलसीएम आता है 150 यूनिट। ठीक है, 150 यूनिट, तो 30 के हिसाब से ये कटेगा 5 बार और 25 के हिसाब से ये कटेगा 6 बार। ठीक है, बट मुझे अभी जानवी और कमली की क्या नहीं पता, इफिशियंसी नहीं पता। तो आगे क्या बोल रहा है, एंड कंप्लीटेड द वर्क सेम एज द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय शिवानी एंड स्वाति वर्किंग टुगेदर। तो शिवानी और ये दोनों जब मिलके करते हैं तो ये 11 यूनिट से करते हैं, तो कितने दिन में कर लेंगे, 150/11 दिन में। ठीक है, तो जानवी और कमली अगर काम करते हैं कितने दिन में, उतने ही दिन में करेंगे जितने दिन में ये लोग कर रहे हैं काम को, तो उतने ही दिन में करेंगे ये भी काम, कितने दिन में, उतने ही दिन में जितने दिन में ये काम कर रहे हैं इतना वाला। ठीक है, यानी कि देखिए अगर आप फिर से पढ़ेंगे, जानवी और कमली स्टार्टेड अ वर्किंग टुगेदर, कि जानवी और कमली अगर एक साथ काम स्टार्ट करते हैं तो उन्हें उतना ही समय लगता है कंप्लीट टू वर्क सेम एज द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय शिवानी एंड स्वाति वर्किंग टुगेदर, उनको उतना ही दिन लगता है उस काम को करने में जितना की दिन उनको लगते हैं। यानी कि इसको भी अगर मैं कट करूंगा तो जानवी एंड इसकी कमली की जो भी एफिशियंसी आएगी वो 11 आएगी। ठीक है, अब देखिए इसके पहले जो एफिशिएंसी मतलब इसके पहले जो स्टेटमेंट दिया था, यानी स्टेटमेंट फर्स्ट जब मैं कर रहा था तो उसमें जे इनटू में एक्स आया था, समथिंग इधर प्लस आया था, 2+j(x) और प्लस आप बैक करके देख सकते हैं उसको, मैंने रफ कर दिया, आप बैक करके देख सकते हैं, और इधर पे जो आया था वो 2+k आया था मेरा। ठीक है, लेकिन अगर ये एक्स अगर उधर पे दिया होता ना तो मैं इन दोनों को इक्वेशन को देख के
मतलब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन टू को इधर पे लेके मैं जे और के की इंडिविजुअल वैल्यू निकाल देता और फिर इधर पे मैं एफिशिएंसी का रेशियो निकाल सकता था, बट इधर पे एक्स की पता ना होने की वजह से मैं इन दोनों का बोथ का यूज नहीं कर सकता हूँ। और सिंगल तो ये वैसे भी नहीं आ रही क्योंकि ये मेरा एंडिंग है, इसके आगे कोई प्रोसेस हो ही नहीं सकती, तो सिंगल तो ये निकल ही नहीं रहा है और डबल होके ये हो नहीं सकता, वो मैंने आपको वेरीफाई करा दिया। तो सिंगल भी नहीं हो रहा, डबल भी नहीं हो रहा, तो हो क्या रहा, यानी कि बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर नॉट सफिशियंट टू द आंसर, यानी कि क्वेश्चन का आंसर करने के लिए दोनों स्टेटमेंट यूज नहीं हो सकते। ठीक है, तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ये जो लेवल है वो शायद से हाई आपको लगा होगा, हाई लेवल है, लेकिन इस टाइप के लेवल आप लगाएंगे ना, और SBI का जो भी एग्जाम आएगा और IBPS का जो भी एग्जाम आएगा, मतलब 2019 के जो भी एग्जाम होंगे ना, तो उनसे पहले आप इतना कंफर्टेबल अपने आप को महसूस करेंगे कि आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि क्या है इधर पे, मतलब सारी चीजें इजी लगेंगी। और अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन और चाहिए प्रैक्टिस के लिए, तो आप विजिट कर सकते हैं IBPS गाइड को, वहाँ जो मॉक पेपर है, वहाँ जो डेली क्विज है, वो बहुत ही ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। क्योंकि मॉक पेपर मैं देखता हूँ कि उधर पे जो भी कंटेंट आता है वो मतलब एक लेवल उसका बहुत ही अलग ही लेवल होता है, मतलब ये जो सारे क्वेश्चन होते हैं ना, ये इस टाइप के क्वेश्चन उधर पे प्रैक्टिस करने के लिए आपको बहुत टाइप के मिल जाते हैं। तो उधर पे आप अपनी टाइमिंग भी देख सकते हैं, जब इस टाइप की आपकी प्रैक्टिस हो जाती है इन टाइप के क्वेश्चन से, तो उधर पे आप अपनी टाइमिंग चेक कर सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं, एनालाइज भी उधर पे करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो आप बाकी चीजों के लिए विजिट करते रहिए, ठीक, और बने रहिए IBPS गाइड के संग, और IBPS गाइड की फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस पर्टिकुलर वीडियो के बारे में बताइए कि आपको कैसा लगा, और आगे आप बताइए कि आपको किस टाइप के वीडियो चाहिए। हालांकि मुझे पिछले वीडियो में DI फर्स्ट के कमेंट में मैंने देखा था कि टाइम एंड वर्क की डिमांड ज़्यादा थी, तो मैं इसके ऊपर वीडियो लाया हूँ। तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो में भी बताइए कि आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए, तो मैं उस टाइप की वीडियो आपके लिए बना के आता रहूँगा। ठीक है, तो गुड बाय एंड थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो, बस सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो करते रहिए। ठीक, तो थैंक्स।